Good morning to all of you. Now I am Anand sir. Now I am going to teach remaining the present indefinite tense. Last time हम लोग बात कर लिए थे structure क्या होता है. एक WH word का छूटा हुआ था, इनको अभी हम करा देंगे. उनके बाद हम लोग जो है इससे आगे जो है उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है. तो present indefinite tense के बारे में थोड़ा सा एक बार recap कर लीजिए. हम बताए थे इनका use हम करते हैं routine में. Routine में पहला क्या है कि regular action जो हम रोज करते हैं, इरेगुलर एक्शन जो हम कभी कभी करते हैं, जो कभी कभी होता है. उसके बाद जो है फिर है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है जो स्वाभाविक सत्य है. जैसे मान लीजिए द सन राइज इन द ईस्ट, ये सूरज क्या पूर्व में उगता है तो है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सब क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है. उसके बाद मैन इज मोर्टल, ठीक है, डेथ इज नेचुरल, तो ये सब यूनिवर्सल सत्य है, इसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं. उसके बाद जो है हम लोग गप किए थे एक पेपर का हेडलाइन जो बनता है, और फिर जो है आपका मींस स्पोर्ट का लाइव कमेंट्री होता है, वो सब सब किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों एक ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है. फिर हम लोग बात किए थे अगर जो है नियर प्लैनेट फ्यूचर के बारे में बात करें, यानी कि कुछ ही दिनों में जो घटेगा, जैसे मान लीजिए पीएम दिप्स फॉर मुंबई टुमारो, तो कल क्या है कि पीएम जाएंगे मुंबई, तो ये जो प्लान हो रहा है किस में हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो ये सब तो बात जो है पुराना वाला था, और उसके बाद जो है जो मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे जाकर के देखिएगा. आसान है स्ट्रक्चर इसका है, इसमें कंडीशनल देखिए नहीं पढ़ाएंगे. आने वाला टाइम में एक बार फिर हम बताएंगे. टेंस थोड़ा वो हाई लेवल का होगा, अभी ये सिर्फ प्लस टू लेवल का है, ठीक है. देखिए इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या एस या ई एस लगाना है. क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है वो लगाना, या एस या ई एस, यही दोनों में से कोई लेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट. तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव बात होता जो हम एक बार में बोलते हैं वही मेरा पॉजिटिव बात. फिर इसका हम करेंगे निगेटिव सब्जेक्ट प्लस. तो देखिए डज के डू या डज लगाएंगे नॉट लगाएंगे, तो ये जो है एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है डू डज. तो ठीक है, क्या है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. डू डज नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, डोंट लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं डजंट लिख सकते हैं, प्लस वर्ब वन प्लस क्या है, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद अगर इसका क्वेश्चन बनाइएगा, प्रश्नवाचक बनाइएगा, प्रश्नवाचक होता है क्या होता है इंट्रोगेटिव. अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो डू डज को बाहर रखिएगा, ठीक है. इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे, ये है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव बात है. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और जो है इंट्रोगेटिव एक तो ऐसा बन सकता है, दूसरा है कि डब्ल्यू एच वर्ड से मेरा इंट्रोगेटिव बन सकता है. चलिए देखते हैं थोड़ा डब्ल्यू एच वर्ड का वार्ड मिस क्या होता है, तो क्या है वार्ड मिस क्यों हो रहा है उसको हम जो लिखेंगे. वेयर मिस कहाँ है, देखो वीडियो को जो हम थोड़ा शॉर्ट करके बनाना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो स्टूडेंट लोग देखना कम चाहता है, ठीक है. हाउ का क्या है कि कैसे होगा, ये सब जो नहीं जानते वो लिखेगा. विच मिस क्या है किसे, कोई दिक्कत नहीं है. तो प्रश्नवाचक जो बनता है पहला तो पॉजिटिव में बनता है, और दूसरा डू डज को लेकर के बनता है, और दूसरा टाइप जो बनता है वो मेरा क्या होता है डब्ल्यू एच वर्ड. डब्ल्यू एच वर्ड अगर हम बोलेंगे याद नाम से व्हाट व्हाई वेयर व्हेन हाउ और व्हिच, कोई दिक्कत नहीं है. प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, दिक्कत नहीं है. अगर मान लीजिए ये तो पॉजिटिव है ना, ये क्या इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव वाला ही बात हो रहा है सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड का. लेकिन अगर इसी में हम निगेटिव बनाए, जैसे निगेटिव है क्वेश्चन और निगेटिव साथ में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, एक तो ऐसे बन जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, और एक जो है डोंट या डजन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा. फिर अगर मान लीजिए निगेटिव का अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड से बनाते हैं तो क्या होगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज, उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट. देखो कैसे, एक तो ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड का वर्ड रहेगा निगेटिव में, थोड़ा यहां लिख देते हैं आप लोग अगर लिखते हैं तो सावधानी से लिखिएगा, क्या है कि डू या डज तो होगा ही होगा, प्लस क्या होगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, वही है. लेकिन अगर इसको कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे डोंट या फिर क्या लिखेंगे डोंट या क्या लिखेंगे आंसर डजन के बारे में चर्चा करें. ये सब आसान है समझे, इसमें जो है कोई ज्यादा माथा दिमाग लगाना नहीं है, आप लोग कम पढ़ना चाहते हैं. देखो तो ये सब स्ट्रक्चर है, अभी हम जो है थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर में काम करते हैं, ठीक है. जो स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले लीजिए आराम से, अब शेयर करो बैठ के.
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जरा से देखिए, अगर हम बोले मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, हम टेंस के बारे में एक इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं कि टेंस दो ही चीज बतलाता है, या तो स्टेट या तो एक्शन। मैं पढ़ाता हूँ, ये क्या होगा, आई टीच होगा। इससे दो चीज सीखिएगा, एक और जो बिहार में पूछता है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज हो जाएगा और जो है आप ट्रांसफॉर्म कर, आई टीच यू। तो ये मेरा किस में हो गया, ये पॉजिटिव में हो गया। इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब देखिए एस या एस इसमें नहीं लगा तो क्या होगा, आई हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म, आई डोंट टीच, ये निगेटिव बन गया। क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका क्या बनाएंगे, डू आई क्या बनेगा, टीच। सिंपल सिंपल बात बना रहे हैं, क्वेश्चन और निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डोंट आई टीच। एक तो ऐसे बना सकते हैं और दूसरा अगर बनाना होगा तो ऐसे बोलेंगे, डू आई नॉट टीच। कोई दिक्कत है, तो अगर आपको कोई भी एक सेंटेंस मिले, जैसे मान लीजिए कि हमको निगेटिव क्वेश्चन नहीं मिला, इसको जो है हमको लेकर आना पॉजिटिव से, तो बना सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमको ये मिला है एक क्वेश्चन वाला और हमको निगेटिव बनाना, बना सकते हैं। क्वेश्चन वाला मिला है हमको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में है, ये हमको पॉजिटिव बनाना, बना सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर बोले वह हंसती, वह क्या है, हंसती है, तो वह हंसती है अगर बनाएंगे तो क्या होगा, सी क्या होगा, स्माइल लिख देंगे, भर्ब वन है, एस लगाएंगे तो क्या होगा, सी स्माइल्स। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इस बार क्या बनेगा, जो जानते हैं पहले लिख लीजिए, जो नहीं जानते देखो, एस लगा हुआ है तो क्या लगेगा, सी डज क्या होगा, निगेटिव बना, सी डज नॉट स्माइल। एक तो ऐसे बनाएंगे, ये भी सही है, एक ऐसे भी बना सकते हैं, सी डजंट स्माइल। अब देखिए यहां से एस हट गया है, यहां से क्या है, एस हट गया है, इस बात को समझिए, क्योंकि डज ऑलरेडी एस पहले यहां लगा हुआ। अगर इसी का क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या होगा, डज सी स्माइल, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नेगेटिव बनाइएगा, क्वेश्चन है यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डजंट सी स्माइल। एक ऐसे यहां देखिए हम भर्ब यहां से हटा देते हैं, भर्ब फाइव था, यहां एस नहीं है, यहां एस है, यहां है क्या, क्योंकि रूल के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको यहां वी वर्ब लगाना है तो हम उसको फॉलो करते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं, डज सी नॉट स्माइल। ये सब एकदम जूनियर वाला और बेसिक चीज बतला रहे हैं, तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा डब्ल्यूएच से देख लीजिए, जैसे मान लो वह कहां रहती है, क्वेश्चन नंबर वन, इसको जो कर सकते हैं। दूसरा तुम क्यों नहीं पढ़ते, एक ऐसे हो गया, सब देखे क्वेश्चन मार्क हो रहा है। तीसरा है आप कहां पढ़ने जाते, ठीक है। उसके बाद है वह क्या करते, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन लिखे हैं, जो कर सकते हैं ट्रांसलेट इसको करिए। और अभी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं होगा, ये होगा डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में। मीन्स क्या है कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि इसमें डब्ल्यू एच वर्ड वाला ही हम पकड़ेंगे, वह कहाँ रहती है तो क्या होगा, वे आर, और लगाइए फॉर्मूला, लड़के वह है तो सी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, वे आर डज सी क्या होगा, रहना का क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क,
दूसरा अगर बात करेंगे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो तो क्या होगा, तुम का क्या होगा, तुम के साथ किसको किसको जो है आता है, मिस डू डू डी डज का यूज कहाँ करेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी जो है उस पर एक हम बेसिक लेक्चर बनाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो तो वाई, इसको शॉर्ट में लिखते वाई डोंट यू, पढ़ना का लिखते हैं स्टडी हम लिखते हैं, या आप रीड दीजिएगा तो वो भी सही। आप कहाँ पढ़ने जाते हैं, इसको अगर बना सकते हैं कोई, उम्मीद करते हैं बना देंगे। आप कहाँ पढ़ने जाते हैं तो क्या होगा, वेयर डू यू, क्या होगा आप कहाँ पढ़ने जाते हैं, गो फॉर पढ़ने के लिए ही बात हुई ना, गो फॉर स्टडी। उसके बाद है वह क्या करती है तो व्हाट डज सी डू, वह क्या करती है। तो ये क्या होगा कि WH क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, और आप लोग जब कोशिश कीजिएगा EMR का सहायता भी दीजिएगा सारे बात को, जैसे मान लो कि किसका किसका सहायता लेना है, EMR का भी आपको क्या लेना है, सहायता लेना होगा इसमें, ठीक है, WH वर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना, जहां डाउट होगा हम वहां सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा सा इससे एक लेवल ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा, इसमें ऐसा नहीं कि आपको जो है ज्यादा चलना है, वी विल गो एटलीस्ट, जैसे देखो अच्छा अगर हम बात बोले कि मेरी क्या सर, गुड मॉर्निंग, मेरी बहन अंग्रेजी बोलने जानती है। इस बात को समझिए, मेरी बहन अंग्रेजी बोलने जानती है तो ता है ती है वाला ही मिस में आएगा। अब देखिए थोड़ा सा लेवल क्या हो गया कि थोड़ा सा चेंज किए, ज्यादा चेंज आपको इंटरचेंज नहीं किए, जस्ट लिटिल बिट। आप लोग ध्यान दीजिए कि मेरी बहन अंग्रेजी बोलना क्या बोलने जानती है, तो आप बताइए इसका कैसा होगा, माई सिस्टर, ये माई सिस्टर क्या लिखेंगे, बहन का हम लिखते माई सिस्टर, जानना का होता है नो माय सिस्टर, और मेरी बहन एक एक के बारे में बोले बहने तो नहीं लिखे माय सिस्टर नो, तो क्या होगा, जानती है अंग्रेजी बोले तो क्या होगा, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक क्या होगा, इंग्लिश, ठीक। सिमिलरली आप इसी तरह बनाइएगा, मेरा भाई, अब ये होमवर्क है, मेरा भाई तैरने तैरने जानता है, एक दूसरा है रीता गाने जानती, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर एक और ले लें, मान लो कि इसका निगेटिव देखेंगे, वह पढ़ने नहीं जानती, यहां जानती जानती सब जगह जानता लिख रही है, वह पढ़ने नहीं जानती है तो क्या होगा, सी डज लगेगा, सी डजंट नो, सी डजंट नो हाउ टू, हाउ टू रीड, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन नेगेटिव में भी बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको जो है बना लेना है, जिससे नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा, ये दोनों आपसे बनाना बनना है और बनना भी चाहिए बिल्कुल। ये तो सूट कर, ये सूट कर क्लास लगे फंस जाएगा, जैसे मान लो हम लिखते हैं संतोष, संतोष संतोष को बात करने नहीं आता, बात करने नहीं आता,
ये कैसे लिखें? तो क्या होगा, संतोष एक ही का नाम है, क्या लिखेंगे, नाम का नाम लिख देंगे संतोष, और क्या लिख देंगे, डज लगेगा, डू लगेगा, क्या यूज करेंगे, डज करेंगे, डू डज डिड का जिसका भी देखिए समस्या होगा बेसिक क्लास, ठीक है, डालेंगे उसका वीडियो, तो उसमें देख लीजिएगा अलेवन होना। संतोष डज नॉट नो, सॉरी संतोष डज डजंट नो हाउ टू टॉक, कैसे बात करना, कोई दिक्कत। अब बोलिएगा कि एस इसमें क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहां हम ऑलरेडी एस, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आप घर में बैठ करके बनाएंगे, सोनल खाना बनाने नहीं जानती है। हम देखिए जानती है बोले हैं, इसका मतलब है सोनल क्या होगा, सोनल लड़की होगा, इसको आपको बना लेना है। दूसरा हम देते हैं आप पढ़ने नहीं जानते, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो अब उम्मीद करते हैं कि बन जाएंगे, डू डज का सहारा लीजिएगा, नो लीजिएगा। अच्छा एक और बना देते हैं कि मेरी मां बच्चों का ख्याल रखना, ख्याल करना या रखना बात है, रखना जानती है। इसको जो बना भेजिएगा उसको हम पेटीएम से पैसा भेजेंगे, कितना भेजेंगे बाद में बात, ठीक है। तो ये तीनों आपका होमवर्क रहेगा, इसको कीजिएगा। अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं, इससे अधिक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ केस ऐसा बनता है, इन सम केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वी यूज इज एम आर हैज। देखो अभी हम लोग पढ़े हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या क्या लगाना, या फिर वर्ब फाइव जिसको एस या एस में हम लोग रखते हैं, सिंगुलर प्लुरल में, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब फाइव में रखे, सिंगुलर है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी क्या है कि कुछ आता है, जब हिंदी आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ता है ती है, क्या है ता है ती है वाला नहीं रहता। देखो क्या है, नहीं रहता, यानी कि उसका हिंदी में ता है ती है नहीं आएगा। जब हिंदी करने पर ता है ती नहीं आएगा तो इसका मतलब है इज एम आर हैज भी आएगा और दूसरा कोई आने का संभावना नहीं है। तो हम लोग बोल के सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देखिए इज एम आर के बाद जो है वर्ब वन, अगर देखिए इज एम आर के बाद वर्ब वन तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बात सुनिए हेल्पिंग वर्ब का एक काम करता है और मेन वर्ब का दोनों। अभी थोड़ा देर मीन से आने वाला टाइम का जो वीडियो होगा बेसिक का, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, इज एम आर का यूज कहाँ करना है, जब का यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो सब चैप्टर का हम लोग जो है करेंगे। तो देखिए मैं सचेत हूँ तो क्या होगा, आई एम, आई के साथ एम ही लगेगा क्योंकि ता है पी है तो है नहीं, और सचेत का है अलर्ट, सचेत क्या है मेरा एक जो है अवस्था है कि सचेत में हूँ, एक्शन तो नहीं कर रहा ना, मैं सचेत हूँ तो क्या होगा आई एम अलर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है सचेत, ये मेरा क्या है मैं हूं तू ही नहीं है ना, ये सचेत क्या ये वर्ब, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हो गया ना एम प्लस वर्ब, दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हम आपको बताएंगे कहीं भी मेन वर्ब का काम करता है कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो अगर हम लिख दें, कोई अगर बोलता है कि सर हम तो इसको पढ़ते आना हेल्पिंग वर्ब, और हम बोलते हैं यू आर बॉय, तो इसमें कहाँ कोई दूसरा वर्ब आएगा, आर ही तो मेरा क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। जब किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं रहे तो वो मेन वर्ब कहलाता है, उसको हम चैप्टर बना देंगे सेपरेट। देखो हम लोग देशभक्त हैं तो क्या हो, वी आर पेट्रियट, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो लाल बुझक्कड़ हो, लाल बुझक्कड़ मतलब कि बातें गोल घुमा घुमा करके करना, यानी कि आप होशियार हैं, यू आर ए वाइस एस ए वाइस गाइस, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर से एक बार बता देते हैं कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि जब आर है जब का भी प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, जब हिंदी करने में ता है तो ये वाला नहीं आता। स्ट्रक्चर इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस सीजम आर, उसके बाद जो है वर्ब लगता है तो वर्ब दीजिए, मैं सचेत हूं इस तरह का बनेगा, ठीक है। फिर इसका और देख लो, मान लीजिए इसी का एक दिखाते हैं, जैसे कोई एकदम छोटा सा माइनर केस हम बतलाते हैं, मैं हूं, इसका क्या बनेगा, कौन सही बना सकते हैं, कोई बना सकते हैं, इतना छोटा सा बच्चा भी बच्चा उसी तरह का आप बोले सर व सोना क्या हो, इट इज सोना, सोना की बात कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं कोई दिक्कत है, क्या हुआ इट इज मी, अगर किसी तो मैं हूं का क्या हुआ इट इज मी, क्या हुआ सोना में स्कूल में, ठीक है। आप उसी तरह हम बना सकते हैं, अगर कोई बोले वह धार्मिक है, वह कैसी है, वह धार्मिक है, तो क्या होगा सी इज धार्मिक का रिलीजियस, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन इज एम आर का बनेगा, ठीक है। और आगे देखो, बनाने देते हैं अभी, उसको आप जरूर उतारिए, आपको भी बनाओ, बस तेज तेज यानी कि जिसमें भी तेज है, एक दूसरा आप ईमानदार, बहुत सारा चीज बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नाम किसी का नहीं, मान लीजिए कि लिखे हैं तुम गायक, तो सब क्या अभी के ही बारे में बात हो रहा है, चौथा सबको बनाना है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं रिया सुंदर, ठीक है। पांचवा देते हैं मैं हिंदू, मैं हिंदू के जगह कोई बोले मैं यादव हूँ वो भी लिखिए, कोई बोले पंडित हूँ वो भी लिखिए, कोई बोले सर हम राजपूत हैं वो भी लिखिए, तो जो आप हैं भाई उस पर आप बना लीजिए सेंटेंस खुशी से, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है, एकदम बच्चा वाला चीज बतला रहे हैं, यहाँ अगर नहीं सीखे तो हम जो है सपना में सीखते रहना, शादी हो जाएगा तब, ठीक है, कर लेना सब कुछ। अब हम लोग बात करते हैं टाइप टू, जो इसका होगा ये होगा देयर यूज करेंगे, क्या करेंगे देयर प्लस इज या आर का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कई समस्या, तो अब देयर सुनिए, एक चीज थोड़ा सा बता देते हैं कि देयर कभी भी देयर और इट जो होता है इस दोनों का यूज हम करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर। यह होता नहीं है, हम मान लेते हैं, जैसे मान लो बोलते हैं एक लड़की है तो क्या है एक लड़की है देयर इज गर्ल, कई समस्या है तो क्या होगा कई यानी कि बहुत समस्या है देयर इज क्या होगा मेनी प्रॉब्लम्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर बोले
एक कार है तो क्या बोलेगा इसका? देयर इज ए कार। एक चीज आपको बताना भूल गया कि देयर का जो यूज होता है इंट्रोडक्टरी, यानी कि किसी भी चीज से आपको परिचय कराना है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक सुंदर जो है किसी कोई मान लीजिए आप कोई सुंदर जो है आप LCD खरीदे और आप पहले लगा दिए तो क्या बोलेगा? देयर इज न्यू LED, वहाँ एक नया LED है। तो आप बतलाना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए खाली LED लिखने से हमको थोड़े पता चलेगा, खाली LED लिख देंगे तो क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी कि मीन्स उसको इंट्रोडक्शन के तौर पर यूज करते हैं वो है देयर और इट है। देयर का यूज करते हैं और इट का भी यूज करते हैं। तो देखेंगे उसी तरह जो है ये दोनों हो गया और एक बनाइएगा। मान लो जैसे बोलते हैं घर में मेहमान है, मेहमान इसको कैसे बनाए? घर में मेहमान है तो क्या लिखेंगे? देयर इज गेस्ट। अब घर के अंदर में है ना, इंदा क्या होगा? इंदा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ जाते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं। उसके बाद है, अब देखो घर में मेहमान है तो आप मेहमान को परिचय कराना चाहते हैं, मेहमान के बारे में बतलाना चाहते हैं, तो हम किसका लिए हैं? देयर। और देयर का प्रयोग कहां करते हैं आपको पता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में। जैसे मान लो मोबाइल, जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है। सिमिलरली है, बना लीजिएगा इसको HW के तर्ज पर, ठीक है। लाशें नदी में बह रही है, सॉरी लाशें नदी में है, बह रही है नहीं होगा। इसको आप क्या कह सकते हैं? लाशें का क्या होगा? डेड बॉडी होगा, ठीक है। और नदी का तो रिवर्स जानते हैं, लाशें का क्या होगा? डेड बॉडी होगा। इसको आप जो है क्या कीजिएगा, अपने से घर में बनाने का कोशिश करना, नहीं बनेगा तो हम फिर सिखाएंगे, ठीक है। लास्ट है नदी में, मान लो इंट्रोडक्शन के तौर पर यूज कीजिएगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का देयर और इट का, कोई दिक्कत यहां तक है? यहां तक आगे हम लोग देखेंगे है जब कहीं यूज। ये तीन लिख दीजिए, हम अब देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज या हैव के बारे में थोड़ा सा हम लिख देना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कि आखिर इसका यूज कैसे कैसे होता है। जैसे देखो पहले तुम लोग पर्सन जानेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो भी मेरा सब्जेक्ट बनता है, आई वी यू वी सी कोई दिक्कत नहीं है। आई और बी के साथ जो यूज होता है, आई बी यू के साथ जो होता है उसका नाम है क्या? यूज होता है ई सी यू के साथ जो यूज होता है उसका नाम क्या है? इसके साथ तो होता ही होता है, या कोई सिंगल नाम रहेगा, कैसा नाम रहेगा? सिंगल नेम। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं सोना लिखे, फिर जो है रिया लिखे, ऋतिक लिखे, सिंगल नेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ क्या होगा? हैज होगा। और दे के साथ मेरा क्या होगा? इसको जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। सब्जेक्ट प्लस हम लोग हैज का यूज करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए हम लिखे मेरे पास साइकिल है, मेरे पास क्या है? साइकिल, कोई दिक्कत? तो क्या होगा? आई हैव ए साइकिल, ठीक है। साइकिल बोलिए या बाइसाइकिल, बाय, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम इसी तरह सिमिलरली बोले
पास घर, ठीक है, तो क्या देंगे ये जो, तो यहां देखिए है आ रहा लास्ट में कहा आती है, ठीक। फिर हम लिखते हैं देखें सोनल के पास बहुत पैसा, सोनल के पास क्या बहुत, तो यहां हम क्या देंगे सोनल नाम है तो सिंगल नेम के साथ क्या यूज करेंगे अभी तुरंत पढ़ा है हैज का इस्तेमाल करेंगे, हैज या हैव, सोनल हैज ए लॉट ऑफ मनी, क्या है उसके पास बहुत सारा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, समझे, बंद कर दीजिएगा तो वीडियो।